नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। दुनिया की सबसे घातक और तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का खुलासा किया। शुरुआत में 100 से ज्यादा मिसाइलें बनाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के लिए लखनऊ में 80 एकड़ की जमीन चिन्हित की गई है। इस रिपोर्ट में देखिए, अब उत्तर प्रदेश में बनी दुनिया की सबसे घातक और तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से दुश्मन देश थर्राएंगे। 3 साल में मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसका ऐलान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमृत महोत्सव के दौरान किया था। इसके लिए लखनऊ में 80 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। 3 साल में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण करने की तैयारी है। लक्ष्य भी निर्धारित है। करीब 900 करोड़ की मिसाइलों का टारगेट रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम योगी ने अमृत महोत्सव के दौरान जिक्र करते हुए कहा था कि साल 2025 तक मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण शुरू होगा। करीब 100 से ज्यादा 900 करोड़ के मिसाइलों का टारगेट रखा गया है। आपको बता दें, डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और NPOM में MOU भी हो चुका है। मिसाइल ब्रह्मोस के टारगेट को पूरा करने के लिए DRDO और NOPM दोनों ही 300 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इतना ही नहीं, सूबे की प्रसिद्ध योजना UPDA का भी सहयोग रहेगा, जिसके तहत इस डिफेंस कॉरिडोर परियोजना को शुरू करने के लिए UPDA ने कई बैंकों के साथ भी हाथ मिला लिया है। आपको बता दें, डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए लखनऊ के साथ ही झांसी, चित्रकूट, कानपुर, अलीगढ़ और आगरा में भी यूनिट लगाने की तैयारी है। इसके लिए अब तक करीब 1643 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की जा चुकी है। प्रोजेक्ट की गति देने के लिए 93 MOU भी किए जा चुके हैं। खास बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा MOU अलीगढ़ के साथ किए गए हैं। वो यूपी जहां गोलियों की आवाज आती थी, जहां बच्चा बच्चा माफियाओं का नाम जानता था, आज वही यूपी की काया पलट हो गई है और अब ब्रह्मोस मिसाइल जैसी ताकतवर मिसाइल बनने जाएगी। दुनिया की सबसे घातक और सबसे तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को उत्तर प्रदेश इसके लिए लखनऊ में 80 एकड़ की जमीन चिन्हित कर ली है। इसे लेकर DRDO और रूसी कंपनी NPOM के बीच MOU भी साइन हो चुका है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का खुलासा किया था। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।